हेलो भाई, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर डॉट कॉम पर। आज हम पठन अभियान की गतिविधि पत्रक 50 को करेंगे, यानी कि 50 को करेंगे, क्रम संख्या 50। और यह 21 मार्च 2022 के लिए है। यह गतिविधि पत्रक कक्षा छठी से लेकर आठवीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए है। तो यहाँ पर सबसे पहले विद्यार्थी ने अपना नाम लिखना है, फिर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है जो आपको हिंदी पढ़ाता है, क्योंकि हमारी आज की जो वर्कशीट है वो हिंदी की है। और आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? जगदीश चंद्र बोस एक महान भारतीय वैज्ञानिक हुए हैं। तो आज हम जगदीश चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे, उनकी जीवनी और उनके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जगदीश चंद्र बोस को पास के स्कूल में दाखिला दिला दिया गया। वहाँ अधिकतर किसानों और मछुआरों के बच्चे पढ़ते थे। वे पढ़ाई भी करते थे, साथ साथ खेती और दूसरे कामों में अपने घर वालों का हाथ भी बटाते थे। उन बच्चों के साथ रहकर बोस ने जीवन की वास्तविक शिक्षा को अपनाया। वहीं उन्हें शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा मिली। शारीरिक श्रम मतलब शरीर से जो कार्य किया जाता है, शरीर की मेहनत की जाती है, जैसे हम खेती करते हैं या और कोई शरीर से, जैसे लोहा तोड़ना या सर पे कुछ उठा के लेके जाना, बोझा ढोना, इस तरह के शारीरिक श्रम कार्य होते हैं। सबको समान समझने की भावना पैदा हुई। मातृभाषा से प्रेम भी हो गया। पेड़ पौधों के बारे में जब उनके सवालों का उत्तर बचपन में स्पष्ट नहीं मिला, तो वे बड़े होने पर उनकी खोज में लग गए। बचपन के प्रश्न जैसे माँ पेड़ के पत्ते तोड़ने से क्यों रोकती थी, रात को पेड़ के नीचे जाने से क्यों रोकती थी, ये प्रश्न उन्हें सोचने पर मजबूर करते थे। वे बड़े होकर उन्हें अपने इन सारे सवालों के उत्तर मिले। उन्होंने वैज्ञानिक रूप से यह साबित किया कि पेड़ पौधों में भी भावनाएं होती हैं। वे सभी इंसानों की तरह दुख और सुख को महसूस कर सकते हैं। अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण आगे चलकर उन्होंने अपनी खोजों से पूरे संसार को चकित कर दिया। इसके साथ ही वे पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव तरंगों के बारे में पूरी दुनिया को बताया। उस समय बहुमुखी प्रतिभा के धनी जगदीश चंद्र बोस ने अपनी महान खोजों का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया था। रेडियो विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान की वजह से उन्हें रेडियो विज्ञान का पितामह वह जनक भी माना जाता है। तो इस तरह से जगदीश चंद्र बोस ने अपने जीवन में अनेक महान कार्य किए हैं, और जिसकी वजह से उनको रेडियो विज्ञान का पितामह वह जनक भी माना जाता था। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आपने इसको पढ़ना है, अच्छे से समझना है, और इसी के बेस पे इसके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, वो करने हैं आपने। क्वेश्चन आपने पढ़ने हैं, और इस पर अगर आपसे क्वेश्चन को छाँटने हैं, आपने अंडरलाइन करना है, आप लिख भी सकते हैं। तो आइए इनके क्वेश्चन हैं जो उनको करते हैं। पहला क्या है, किन सवालों के जवाब जगदीश चंद्र बसु को बचपन में नहीं मिले? तो ऐसे कौन से सवाल हैं जो वो बचपन में करते थे और उनके जो आंसर हैं उसको नहीं मिले, तो पता करते हैं। प्रश्न क्या है, किन सवालों के जवाब जगदीश चंद्र बसु को बचपन में नहीं मिले थे? तो वो कौन कौन से सवाल हैं, क्या उनके मन में आते थे, सवाल कौन कौन से हैं? पेड़ पौधों से संबंधित सवालों के जवाब उन्हें बचपन में नहीं मिले थे, यानी कि पेड़ पौधों के बारे में वो बहुत से सवाल करते थे बचपन में, लेकिन उनको कोई भी बता नहीं पाया था अच्छे से कि पेड़ पौधों के बारे में किस तरह से क्या जानकारियाँ उसको चाहिए थी और वो नहीं मिली। जैसे पेड़ के पत्तों को क्यों नहीं तोड़ना चाहिए, रात को पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए या क्यों नहीं जाना चाहिए, इस तरह से हमें पता चलता है कि जगदीश चंद्र बसु को ये आंसर नहीं मिले थे। अब क्वेश्चन नंबर दो क्या है, जगदीश चंद्र बोस ने मानवता की भलाई और विकास के लिए कौन कौन से आविष्कार किए?
यानी कि जगदीश चंद्र बोस ने मानवता की भलाई के लिए और उसके विकास के लिए कौन कौन से कार्य किए, आविष्कार किए, खोज की, किन किन बातों को हमें पता चलता है, तो आइए देखते हैं। उत्तर क्या है इसका? रेडियो और माइक्रोवेव के आविष्कार से मानवता की भलाई पर विकास हुआ। यानी कि उसने क्या किया, एक तो रेडियो का विकास किया और एक माइक्रोवेव का आविष्कार किया। तो इस तरह से इन दो तीन खोजों ने, उस आविष्कार ने जगदीश चंद्र बोस को बहुत बड़ी उपलब्धि प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आपके मन में भी कुछ सवाल होंगे जिनके उत्तर संभवतः बचपन में आपको नहीं मिले होंगे। ऐसे किन्हीं दो सवालों को लिखिए। आपने कौन दो सवाल लिखने हैं जिनके उत्तर आपको बचपन में नहीं मिले थे? तो जैसे मुझे कौन कौन से सवाल के आंसर नहीं मिले थे बचपन में, मैं अपने बताता हूँ, आप अपने बता सकते हैं। जैसे क्या पूछा गया है, आपके मन में भी कुछ सवाल होंगे जिनके उत्तर संभवतः बचपन में आपको नहीं मिले होंगे, ऐसे किन्हीं दो सवालों को लिखिए। तो आपने दो सवाल लिखने हैं, कौन कौन से हैं? पहला क्या है, रात को तारे क्यों दिखाई देते हैं? तो जैसे मैं ये क्वेश्चन करता था बचपन में, मुझे बताया नहीं जाता था अच्छे से। दूसरा क्या है, रात को सूरज क्यों नहीं दिखाई देता? तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन क्या है, रात को सूरज क्यों नहीं दिखाई देता, सुबह क्यों दिखाई देता है, और जैसे सूरज कहाँ चला जाता है, क्यों छिप जाता है। तो इस तरह से बहुत से और भी क्वेश्चन है, आप उनको भी लिख सकते हैं और इनको भी लिख सकते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन क्या है, जगदीश चंद्र बोस ने मानवता की भलाई और विकास के लिए अनेक आविष्कार किए हैं, आप मानवता की भलाई और विकास के लिए क्या क्या करना चाहोगे? अपने विचार लिखिए। आपने अपने विचार लिखने हैं। जैसे जगदीश चंद्र बोस ने मानवता की भलाई और विकास के लिए अनेक आविष्कार किए हैं, आप मानवता की भलाई और विकास के लिए क्या करना चाहोगे? अपने विचार लिखिए। तो मैं जैसे क्या करूँगा, हम मानवता की भलाई और विकास के लिए विद्यालय खोलना चाहेंगे जहाँ पर बच्चों को अच्छे से अच्छी सुविधा मिले और वो भी मुफ्त में मिले और बच्चे पढ़ सके, ताकि पढ़ के वो कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके और अच्छे से अच्छी महान उपलब्धियाँ प्राप्त कर सके और ताकि देश का और अपने समाज का भला कर सके। इस तरह से मुझे ये कार्य अच्छा लगता है करने में मानवता की भलाई के लिए। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने इस एक्टिविटी को पढ़ना है और इनको आंसर को करना है। तो आज की हमारी वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। तो मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल अपनाफ्यूचर.com को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि और बच्चों की, दूसरे स्कूल के बच्चों की हेल्प भी हो सके। तो प्लीज़ शेयर, लाइक, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज़।